अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबका वेलकम हमारे चैनल फैमिली फूड हाउस पे। तो अभी जो है नाश्ता कर लिया मैंने, और नाश्ते के बाद जो है मैं धो रही हूँ दीवारें। ये जो है धब्बे पड़ जाते हैं दीवारों पे, और धूल मिट्टी जो है वो इस पे पड़ जाती है, तो इसको भी मैं धो लेती हूँ। तो ये धो के जो है बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो जाता है, बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कलर किया हुआ है। तो बस काम ख़त्म करने के बाद अभी जो है मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, और लंच में मैं बना रही हूँ आज चिकन का पुलाव। तो पुलाव की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, बस वो मटन पुलाव था और ये जो है चिकन पुलाव है। बाकी दोनों की रेसिपी बिल्कुल सेम है। और अभी जो है मैंने ऑयल गरम कर लिया था, और ऑयल गरम करने के बाद फिर मैंने इसमें प्याज जो है वो डाल दिए। ये 3 अदद प्याज थे मीडियम साइज़ के, तो वो मैंने इसमें डाल दिए। और जब इस पे का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, तो फिर मैंने इसमें गरम मसाला जो है वो ऐड कर लिया। और अब जो है मैं इसमें थोड़ी सी यखनी डाल दूँगी ताकि प्याज का जो कलर है वो आ जाए। तो अब जो है यखनी जब थोड़ी सी सूख गई थी, तो फिर मैंने इसमें चिकन ऐड कर लिया था, और चिकन को भून के फिर मैंने इसमें और यखनी जो मेरे पास बची हुई थी वो ऐड कर ली थी, और चावल जो है इसमें डाल दिए थे। तो बस चावल तकरीबन पकने वाले हैं। और इसमें जो है मैंने नमक भी ऐड कर लिया था, तो बाकी जो है मैंने इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए, क्योंकि बच्चे मिर्च वाला नहीं खा सकते। तो बस पुलाव जो है मैंने उसको दम पे लगा लिया है, और इसके साथ मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगी। पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब जो है मैं चटनी बनाऊंगी। तो चटनी बनाने के लिए जो है मैंने लिए है हरा धनिया, लहसुन, पुदीना और हरी मिर्ची। ये जो है मैंने इसकी ये ग्रीन चटनी बना ली है, और इस पे मैंने ज़ीरा भी ऐड कर लिया था। तो सलाद भी जो है बन गया है, और पुलाव भी जो है रेडी हो गया है। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।